वेलकम बैक टू माई चैनल। तो टाइटल से क्लियर हो चुका होगा, आज का जो वीडियो होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है उनके लिए जो मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते, येट उन्हें क्वालिटी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो मैं शुरू करने वाली 250 के अंदर एक ब्राइडल मेकअप किट। तो देखा जाए तो 250 के अंदर मेकअप प्रोडक्ट, स्पेशली ब्राइडल किट के लिए मेकअप प्रोडक्ट ढूंढना इट्स क्वाइट अ टास्क, मेरे लिए नहीं सभी के लिए। अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा के देखें लाइक 1000 के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे खासे मेकअप प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, या फिर 1500 भी अगर जाओगे तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे, 500 तक भी गए ना तो भी ओके ओके टाइप मिल जाएगा। लेकिन 250 के अंदर मेकअप किट बनाना स्पेशल फॉर ब्राइड्स, ये एक टास्क है मेरे लिए भी, सबके लिए होगा, पर फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ ये वीडियो, मुझे शेयर करना था उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने हाई एंड प्रोडक्ट्स। तो उनके लिए ये वाला जो मेरा वीडियो है काफ़ी 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 हेल्पफुल हो जाएगा। तो प्लीज़ इसी बात पे एक लाइक तो बनती है। तो लेट्स रोल इनटू द वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगती हो कोई भी पॉइंट पर अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द छोटी वाली घंटी, एंड चाहो तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। सो नाउ लेट्स रोल। ओके, मेकअप करने से पहले स्किन केयर इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप स्किन केयर नहीं करेंगे और फिर आप कितने भी अच्छे क्वालिटी के अच्छे अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स अगर आप अपने फेस पे लगा लेंगे तो भी वो मेकअप अच्छा नहीं लगने वाला है, क्योंकि स्किन केयर के बिना कोई भी मेकअप अच्छा नहीं लगता है आपके फेस पे, बहुत ही केकी सा लगेगा, ब्लैकिश सा लगेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्किन केयर करने के बाद ही मेकअप आप अप्लाई करें। तो स्किन केयर में मैं आपको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, बस एक पॉइंट दे रही हूँ कि स्किन केयर में आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ ब्राइड, तो जो भी आप स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं प्लीज उसमें कोई भी चेंजेस ना करें, कि इट्स अ टाइम कि आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते अपने स्किन को लेके, फेस को लेके, बॉडी को लेके। तो प्लीज डोंट चेंज योर एनी प्रोडक्ट जो आप स्किन केयर में फॉलो करते हैं, प्लीज गो थ्रू दैट ओनली, कोई भी चेंज मत। तो मैं मॉइस्चराइजर स्टार्ट करने वाली थी पर सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है तो मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर स्किप करूंगी, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो सूट करता है आपको आप कोई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे प्राइमर से। सो प्राइमर के लिए मेरे पास यहाँ पर है ब्लू हेवन का प्राइमर जो कि ऑयल फ्री है और नॉन ग्रीसी है, एंड मेरे हिसाब से जितना ये इसका प्राइस है उसके हिसाब से ये वर्थ इट है, एंड 250 के अंदर आपको ये बहुत आराम से मिल जाएगा। तो प्राइमर के लिए तो मैं आपको ब्लू हेवन का प्राइमर सजेस्ट करूंगी, पूरे पोर्स को ब्लर कर देता है, फिलिंग करके एक अच्छा सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से ग्लाइड होता है आपके फेस पे। तो प्राइमर के लिए डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस। प्राइमर बारी आती है फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन के लिए आपको मैं लैक्मे का भी सजेस्ट करूंगी, जो लैक्मे का फाउंडेशन आता है वो भी ऑलमोस्ट 250 के अंदर मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप ट्राई कर सकते हो स्टेक वर्की का लिक्विड फाउंडेशन, ये काफ़ी अच्छा कवरेज देता है आपको और इसमें और भी शेड्स अवेलेबल है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेड चूज कर सकते हैं, येट ये आपको 250 के अंदर आराम से मिल जाएगा, ऑलमोस्ट ये 165 वर्थ करता है, तो डिस्काउंट पे तो आपको और कम में मिल जाएगा और अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल रही है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो फाउंडेशन के लिए आई थिंक आई वुड सजेस्ट दिस वन, दिस इज रियली गुड, सो गो फॉर इट, कवरेज भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी आप। नेक्स्ट बात करते हैं कंसीलर की, तो कंसीलर के लिए मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो कि मैं आपको आज रिकमेंड करने वाली हूँ दैट इज स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, जो कि काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है आजकल एंड प्राइस भी काफ़ी चीप है, अच्छे खासे अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल जाएगा, एंड इसका जो कवरेज है ना मुझे बहुत ही सही लगता है, बहुत अच्छे से इजीली ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छा कवरेज देता है आपके अंडर आइज को। सो डेफिनेटली कंसीलर के लिए इससे बेस्ट आई डोंट थिंक सो 250 के अंदर कोई भी मिलेगा आपको, सो जस्ट गो फॉर इट। नेक्स्ट बारी आती है कॉम्पैक्ट या फिर फेस पाउडर की, तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट के लिए अगर बोलूँ तो मेरे पास 2 है, दिस फेसियस कैनेडा का वेटलेस स्टे मैट कॉम्पैक्ट SPF 20 कम्स विथ शिया बटर, नहीं तो फिर मेबलिन का ऑल टाइम फेवरेट। तो फिलहाल तो फेसियस कैनेडा का काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इसकी जो, सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक, एंड इसमें आपको और भी शेड्स मिल जाएंगे आई थिंक, सो काफ़ी मतलब बटरी टाइप का इसका ये है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है आपके फेस पे एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी मिलती है। तो आप डेली वेयर के लिए ये ट्राई कर सकते हो, अच्छा वाला कॉम्पैक्ट है, नहीं तो यू कैन गो ऑल टाइम फेवरेट मेबलिन का जो होता है, या तो मेरा ख़त्म हो रखा है इतना ही बचा हुआ, तो ये नहीं तो फिर इसके अलावा का, नहीं तो अगर आप कोई पाउडर ढूंढ रहे हो तो यू कैन गो टू लैक्मे का रोज पाउडर, इट कम्स विद सनस्क्रीन ऑल्सो, एंड इसको आप बेकिंग वेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो टाइप का, इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है। तो इनके अगर आपको बेकिंग में ही ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड आई थिंक सो ये 150 या 200 तक मिल जाएगा, नॉट मोर देन दैट, तो यू कैन ट्राई दिस वन, नहीं तो फिर यू कैन ट्राई दिस वन, तो कोई भी चॉइस इज योर्स, लेकिन 250 के अंदर अगर बेस्ट का हो तो ये तीनों से अच्छा आई डोंट थिंक सो कोई मिलेगा आपको। बारी आती है आई मेकअप की, अब आई मेकअप के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट देखने जाए 250 के अंदर तो मिल तो जाएंगे आपको, बहुत सारे मिल जाएंगे,
लाइक काजल मस्कारास वगैरह बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी आई डोंट थिंक सो मिल पाएंगे. बट आई हैव हियर वन ऑप्शन फॉर यू. दिस इज फेसेस कैनेडा का ड्रामेटिक वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा, हाउ इट लुक्स लाइक. एंड इसका जो ब्रिसल है कुछ इस टाइप का है, बहुत ही अच्छा है. मतलब इतना सही से आपके लैश को कर्ल करता है ना, एंड बहुत ही अच्छी वाली फिनिशिंग भी आती है. तो आई डोंट थिंक सो इससे अच्छा कोई 250 के अंदर आपको मस्कारा मिलेगा, क्योंकि लैक्मे का भी या फिर मेबलिन का भी आपको ऑलमोस्ट 350 या फिर 300 तक मिलता है. 250 के अंदर दिस इज द बेस्ट. सो फेसेस कैनेडा का मस्कारा आप ट्राई कर सकते हैं. फॉर काजल अगेन फेसेस कैनेडा का बहुत ही स्मूथली ग्लाइड करता है. एंड नेक्स्ट आईलाइनर के लिए भी आई सजेस्ट यू फेसेस कैनेडा का मैग्नेटिक आईलाइनर. टिप बहुत ही फाइन है, येट इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज अ जेट ब्लैक. ब्लैक भी नहीं, जेट डार्क वाला जो ब्लैक होता है कुछ उस टाइप का है. एंड इट्स वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ. सो 250 के अंदर इतना कुछ मिल रहा है, सो वाई नॉट टू ट्राई दिस वन. नेक्स्ट ब्राउ को फिल करने की बात आती है, तो ब्राउ को फिल करने के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास. यू कैन गो टू अ पेंसिल, नहीं तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं आईब्रॉ पैलेट. तो पेंसिल में यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँ मिस क्लेयर का. ये एक ब्रश के साथ आता है, अच्छे से कॉम करके फिर आप उसको फिल इन कर सकते हैं. ये ऑलमोस्ट आपको 65 रुपीज़ तक मिल जाएगा. एंड अगर नहीं आप थोड़ा हाई एंड पे जाना चाहते हैं, तो आप ट्राई स्विस ब्यूटी का आईब्रॉ पैलेट. इट कम्स विथ दिस 4 different shades. 4 shades मिलते हैं, तो आप अपने आईब्रॉ के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. एंड ये ऑलमोस्ट 125 रुपीज़ तक तो मिल जाएगा, नॉट मोर देन दैट. यू कैन ट्राई दिस, नहीं तो फिर दिस इज ऑल्सो ऑसम. तो 65 रुपीज़ में ये ट्राई कर लो, नहीं तो फिर 110 या 150 तक आपको ये मिल जाएगा. सो चॉइस इज योर्स. नेक्स्ट बारी आती है आई मेकअप की. नाउ आई मेकअप के लिए कोई पैलेट ढूंढना अंडर 250 रुपीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सारे शेड्स आप नहीं एक पैलेट में आपको मिल पाएगा. अगर आप कोई अच्छा ब्रांड ढूंढ रहे हो या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो अगर आपको अच्छी चाहिए, तो 250 के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी पैलेट ढूंढना. बट हियर आई हैव ऑप्शन फॉर यू. आप ट्राई कर सकते हो स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट. इसमें मेनली मेरे पास न्यूट्रल एंड मैट शेड्स ही है, सारे न्यू शेड्स है जो कि आप अच्छे खासे मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो इससे. प्लस में एक शिमरी वाला शेड भी आता है बीच में, गोल्डन वाला. तो आप डेली वेयर के लिए इसको यूज कर सकते हो. डेली आई मेकअप काफ़ी अच्छे से क्रिएट हो जाएगा. नहीं तो कोई ड्रामेटिक लुक आप चाहते हो, थोड़ा सा फेस्टिवल या फिर कुछ ऐसा कुछ लुक चाहिए आपको, तो यू कैन ट्राई दिस द जैकलिन हिल पैलेट फ्रॉम मोर्फी. दिस इज नॉट ओरिजिनल पैलेट, दिस अ ड्यूप पैलेट, बट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी इज रियली वेरी गुड. पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छे है इसके. तो इसमें आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे. लाइक अगर आप कोई कलरफुल आई मेकअप करना चाहते हो तो ये, या फिर न्यू शेड्स भी है यहाँ पे, मैट वाले भी है, नहीं तो कुछ स्मोकी लुक क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी. मतलब एक पैलेट में आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे, एंड इतने शेड्स से आप काफ़ी अच्छे अच्छे लुक्स क्रिएट कर सकते हो. तो ये आपको ऑलमोस्ट 250 तक तो मिल जाएगा, डिस्काउंट पर मिल जाएगा, एंड फ्लिपकार्ट आपको आराम से मिल जाएगा. नहीं तो फिर आप ये ट्राई कर सकते हो स्विस ब्यूटी के. 250 के अंदर आपको बहुत सारे पैलेट्स मिल जाएंगे. लाइक इसमें तो ये वाला शेड्स है, पर डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के आपको ये पैलेट मिल जाएगा. तो यू कैन गो दिस, नहीं तो फिर इस बारी आती है कॉन्टोर एंड ब्लश ब्रॉन्जर ये सारी चीज़ें. तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे है सिवाना का कलर्स अल्ट्रा ब्लश पैलेट, जो कि मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ कि बस इसका जो कॉन्टोरिंग वाला है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है. इससे आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे, लाइक ब्लश के लिए भी मिल जाएगा, यहाँ पे हाइलाइटर है, कॉन्टोरिंग भी है. तो एक पैलेट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी अंडर 250 रुपीज़. तो और क्या चाहिए. एंड सेम आपको स्विस ब्यूटी का पैलेट भी मिल जाएगा. इसकी पैकेजिंग भी कुछ ऐसी ही है, एवरीथिंग इज जस्ट सेम, लेकिन वो आपको 350 या फिर 300 तक मिलेगा. उसके नीचे आई डोंट थिंक सो मिलेगा, पर सिवाना का ये वाला पैलेट आपको 250 तक मिल जाएगा डिस्काउंट पे. फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा. यू कैन यूज़ इट एज अ आई शेड ऑल्सो, नहीं तो फिर आप इसको ब्लशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टोरिंग के लिए भी इसमें शेड अवेलेबल. प्लस इसमें हाइलाइटर भी अवेलेबल है, तो आपको अलग से हाइलाइटर की जरूरत भी नहीं है, आप इसी में से यूज़ कर सकते हैं. नहीं तो मैं हाइलाइटर का ऑप्शन भी देने वाली हूँ आगे. मैंने आपको स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट जो सजेस्ट किया था, इसमें भी ये जो डार्क ब्राउन शेड है आप इसको एज अ कॉन्टोर भी यूज़ कर सकते हो, ब्राउ को फिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. आपको ब्लश पैलेट अगर नहीं चाहिए तो कोई ऐसा पैलेट आप लो जो उसमें मल्टी कलर्स हो, मल्टीपर्पज के यूज़ करते हो, लाइक ये वाला पैलेट था. तो इसमें सारे शेड्स अवेलेबल है, लाइक ब्राउन है, पिंक टाइप ऑफ कलर, सारे कलर्स अवेलेबल है. तो आप इसमें से ब्लश भी कर सकते हैं, कॉन्टोरिंग भी कर. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं शो करने वाली हूँ आई डोंट थिंक सो इसकी बिना किसी का मेकअप लुक कंप्लीट होगा. सो दिस इज लिपस्टिक्स. तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस है लिपस्टिक के. वैसे अभी फिलहाल तो मैंने कुछ लिपस्टिक्स ऑर्डर किए जो मुझे रिसीव नहीं हुए अंडर 250, तो मैं सोचा वीडियो लेट हो जाएगी. इससे अच्छा है कि पहले कंप्लीट कर देते हैं, हम उसको किसी और वीडियो में ऐड कर लेंगे. तो
तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है दिस इज बेला वोस्टे का बुलेट लिपस्टिक, जो कि न्यूट टाइप ऑफ शेड है, मतलब पीची पिंक शेड है इसका। लेट मी शो द स्वॉच। तो ये कुछ पीची पिंक टाइप का है, तो पिंक अगर आप डेली वेयर करना चाहते हो लिप शेड्स तो यू कैन गो, बहुत अच्छा वाला है। नहीं तो फिर आप ट्राई कर सकते हो NYB की जो मैट लिप शेड है, ये भी बहुत ही अच्छी है। इसका पिगमेंटेशन बहुत ही सही वाला है, कितना सही पिंकिश टाइप का कलर है इसका, बहुत ही अच्छी वाली फिनिशिंग देता है। सो नेक्स्ट है ये, मैं सारे लिप शेड स्क्रीन पे मेंशन करती जाऊँगी कौन सा लिप शेड है। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे आई एम का रेड लिपस्टिक का, दिस इज जस्ट ऑसम, मतलब आपको ये ऑलमोस्ट 110-120 तक मिल जाएगा। एंड इसका जो कलर, जो रेड कलर होता है ना, स्पेशली ब्राइड्स के लिए जो रेड कलर लिपस्टिक ढूंढते हैं, लेकिन वो उतने अच्छे, अगर वैरायटी पे ब्रांड पे जाएंगे तो उतना अच्छा पे भी करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अंडर 110 रुपीज़ यू कैन गो विथ दिस लिपस्टिक। आप इस रेड लिप शेड पे भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर है एंड इसका मुझे जो कलर पिगमेंटेशन है बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मैट फिनिशिंग देगा जब आप उसको अप्लाई करोगे तो, आउट ऑफ फ्यू सेकेंड्स ही आपके लिप्स बहुत अच्छे सेटल हो जाएगा और मैट वाली फिनिशिंग देगा। तो अंडर 110 रुपीज़, इतना अच्छा लिप शेड, इतना अच्छा लिप कलर, मुश्किल है। सो नेक्स्ट लास्ट है मेरे पास यहाँ पे अगेन फ्रॉम NYB, तो ये पीचे सॉर्ट ऑफ कलर है, ये भी डिलीवर के लिए ठीक है, थोड़ा सा लाइट है, देख रहे हो रेड डार्क पिंक, ये पीचे सॉर्ट ऑफ कलर है एंड प्लस ये दोनों हल्के फुल्के मैच हो रहे हैं, हल्के फुल्के ज़्यादा नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही लाइट है एंड ये थोड़े से डार्क है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस लिप शेड्स को अपने वैरायटी में ऐड कर सकते हैं, मेकअप किट में ऐड कर सकते हैं। 250 के अंदर लिप शेड्स आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। आप नायका के क्रीमी मैट लिप शेड्स भी ट्राई कर सकते हैं, जो मिनी वाले होते हैं वो ऑलमोस्ट 169 रुपीज़ के मिल जाएंगे आपको, नहीं तो फिर यू कैन गो थ्रू स्विस ब्यूटी के लिप शेड्स, दैट इज ऑल्सो वेरी छकास वाले। तो इट्स टोटली अप टू यू, मेरे पास कुछ लिप शेड्स थे 250 के अंदर, तो मुझे लगा कि मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, तो इन्हें मैंने आपको रिकमेंड की है, नहीं तो लिप शेड्स आपको बहुत मिल जाएंगे 250 के अंदर। सो लास्ट में बारी आती है हाईलाइटर की और सेटिंग स्प्रे की। तो हाइलाइटर के लिए मैं आपको स्विस ब्यूटी का ब्रिक हाइलाइटर सजेस्ट करूंगी, जिसमें इतने अच्छे वाले शेड्स, आपको ऑलमोस्ट 5 शेड्स मिल जाते हैं एंड पिगमेंटेशन आर जस्ट ऑसम। दिस इज वाइट सिल्वर टाइप कलर है और ये कुछ गोल्डन टाइप ऑफ शेड है, तो दोनों की पिगमेंटेशन देख रहे हो कितनी अच्छी है, उसमें आपको ऑलमोस्ट 5 शेड मिल रहे हैं डिफरेंट, तो आप इसको मल्टीपर्पज में यूज कर सकते हो, लाइक अगर हाईलाइटिंग के लिए नहीं यूज़ करना चाहते हो, उसको आई शेड पे हल्के फुल्के जो ग्लिटर आप लगाते हो उस टाइप से यूज़ कर सकते हो, शिमरी शेड बोल के, मतलब मल्टीपर्पज है, हाइलाइटर के लिए यूज़ कर लो, आई मेकअप के लिए यूज़ कर लो, काफ़ी अच्छे यूज़ हो सकते हैं इसके। एंड प्राइस इसका ऑलमोस्ट 150-200 रुपीज़ है, नॉट मोर देन दैट, 250 तक भी नहीं जाएगा, 200 के अंदर ही मिल जाएगा, और इसमें और भी शेड्स अवेलेबल है तो आप वो शेड पे भी जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फाइनल स्टेप जो होता है हमारा सेटिंग स्प्रे, मेकअप को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे आपको बहुत मिल जाएंगे, अच्छी अच्छी वैरायटी में मिल जाएंगे, लेकिन 250 के अंदर कोई सेटिंग स्प्रे ढूंढना इट्स क्वाइट अ टास्क फॉर एवरीबडी, नॉट फॉर मी ओनली। तो यहाँ पे एक मेकअप फिक्सर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ, ये मतलब बहुत ही अच्छा वाला है, मैं सब बोल सकती हूँ, जिससे स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर एलोवेरा और विटामिन ई के साथ में मिलता है। पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, क्वांटिटी इसकी बहुत अच्छी है एंड क्वालिटी इज जस्ट ऑसम, बहुत 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 अच्छा वाला मेकअप फिक्सर है, मैं उसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट आपको 150 या फिर 160-170 तक मिल जाएगा, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, डिस्काउंट प्राइस में और कम में मिल जाएगा। तो इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी प्लस इतना अच्छा खासा क्वांटिटी में मेकअप फिक्सर मिल रहा है, तो इसको छोड़ के किसी और पे क्यों जाना है कि नहीं। स्विस ब्यूटी का ब्रांड है एंड ट्रस्टेड ब्रांड है और प्रोडक्ट बहुत अच्छा वाला है, तो आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई मेकअप फिक्सर मुझे तो लग रहा है कि मैं सजेस्ट करूँ, सो दिस इज द बेस्ट वन फॉर मी। ऑल फॉर दिस वीडियो, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, दिस ब्राइडल मेकअप किट ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो आई होप कि आपकी जो रिकमेंडेशन थी, जो डिमांड थी, वो मैं पूरी कर पाई हूँ। एंड कोई अगर दूसरी रिक्वेस्ट रहती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो कैसी लगी, अगर किसी भी वर्ड पॉइंट पे हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।